हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बहुत टाइम के बाद में स्पीड टेस्ट कंपैरिजन हमारे दो स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाले फोन्स के बीच में। पहला स्मार्टफोन है हमारा IQ Neo 7 Pro और दूसरा फोन है हमारा वन प्लस का 11R और सर्चेज में भी आ रहा है और आप में से कुछ लोगों ने बोला कि भाई कर दो इसका स्पीड टेस्ट तो करेंगे ही, रैम मैनेजमेंट भी बताएंगे, बेंचमार्क्स भी दिखाएंगे, वीडियो रेंडरिंग टेस्ट भी करेंगे, सारी चीजें बता देंगे परफॉर्मेंस में किस तरीके के दोनों स्मार्टफोन्स निकल के आते हैं। IQ Neo 7 Pro डार्क कलर में हमने लिया था, OnePlus 11R इसी कलर में ज्यादा मस्त लगता है और OnePlus 11R तो भाई OnePlus 11 की तरह दिखता है तो ये भी बहुत बढ़िया बात है। अब दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर ना यार फ्रंट में आपको AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, OnePlus के अंदर एक कर्व डिस्प्ले दिया गया है, IQ के अंदर एक फ्लैट डिस्प्ले मिल जाता है। अब OnePlus के अंदर अलर्ट स्लाइडर यहां पे दिया हुआ है साइड में जो कि आपको पता ही है काफी कमाल की चीज है, OnePlus की USP है और OnePlus में IR ब्लास्टर भी ऊपर मिलता है और IQ में वैसे IR ब्लास्टर दिया गया है, अलर्ट स्लाइडर जैसी कोई फंक्शनलिटी नहीं आती आपको पता ही है। OnePlus वैसे 40,000 रुपीस के अराउंड आता है, IQ का जो फोन है वो 35,000 में लॉन्च हुआ है, वैसे ऑफर्स के बाद ये आपको 32 तक मिलता है जो कि बहुत ही क्रेजी डील है, चीपेस्ट स्नैपड्रैगन 8 प्लस जेन 1 वाला ये फोन हो जाता है। प्राइस में यार बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको मिलता है 8,000 रुपए का, तो क्या वो परफॉर्मेंस में भी मिलता है वो चेक करना है मेन। तो सबसे पहले बूट अप टेस्ट करेंगे 3, 2, 1 गो एंड लेट्स सी भाई कौन सा वाला फोन ना पहले यहां पे बूट करता है। IQ यहां पे ऑन हो चुका है और वन प्लस भी आ चुका है। वैसे गाइस यहाँ पे IQ Neo 7 Pro जीत चुका है। वैसे यार बहुत टाइम लगा दिया इन्होंने बूट करने में, दोनों ने ही ज्यादा लगाया है। अब देखो दोनों फोन के अंदर अगर डार्क मोड ऑफ करके आपको ब्राइटनेस दिखाऊं तो काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्लेज हैं दोनों ही फोन्स के अंदर, कोई ब्राइटनेस की कमी आपको यहाँ पे महसूस नहीं होगी। वन प्लस के पास यही है कि इसमें कर्व डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल जाता है और IQ में एक फ्लैट डिस्प्ले है, तो वो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। वैसे वन प्लस ज्यादा प्रीमियम लगता है ऑब्वियसली, ज्यादा प्राइस पे भी आता है। तो गाइस IQ का जो हमारे पास वेरियंट है वो 12/256 GB वाला है एंड वन प्लस यहाँ पे 8/128 वाला वेरियंट है। वन प्लस का बेस वेरियंट हमारे पास है, IQ का हायर एंड वेरियंट हमारे पास में है। रीसेंट ऐप में देखो कुछ भी रन नहीं कर रहा है, दोनों फोन के अंदर सेम वाईफाई नेटवर्क यहाँ पे कनेक्टेड है। फोन डायलर से हम शुरू करेंगे बेसिक सिस्टम बेस्ड एप्स, तो यहाँ पे IQ आई थिंक पहले आया है, वैसे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कहीं पे भी मैं अगर गलत बताता हूँ तो। यहाँ पे मैसेज एप्लीकेशन भी IQ में पहले लोड हुई है और एक बारी क्रोम खोल लेते हैं, क्रोम में हमने एंटूटू वाला पेज खोल के छोड़ा था ना, अब apple.com यहाँ पे देख लेते हैं apple.com किसमें यहाँ पे पहले लोड होता है। सो लेट्स सी क्या होता है। तो भाई यहाँ पे IQ पहले आया है, दोनों फोन मतलब टाइम तो लगा रहे हैं यार, ऐसे पता नहीं क्या दिक्कत है। एंड यहाँ पे ये बराबर सा है एकदम, प्ले स्टोर सेटिंग्स एप्लीकेशन मे बी शायद वन प्लस थोड़ा सा फास्टर है। वैसे दोनों पे 120Hz का डिस्प्ले आपको मिल जाता है, वो इनेबल्ड भी है। कैलकुलेटर चेक करते हैं, कैलकुलेटर ऑलमोस्ट सिमिलर सा है एंड यूट्यूब देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा क्लोज है, मतलब बताना मुश्किल है कि कौन पहले आया है। यहाँ पे ट्विटर देख लेते हैं, वैसे ट्विटर पे आप फॉलो जरूर से कर लेना गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें हम करते रहते हैं, बहुत सिमिलर साया, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आया। और यहाँ पे प्रोफाइल पे चलें तो दोनों ने बराबर सी स्पीड से यहाँ पे मतलब लॉगिन कर दिया है और यहाँ पे स्क्रोलिंग वगैरह भी देख लें तो दोनों ही फोन्स ने ना सेम अमाउंट ऑफ यहाँ पे जो फीड्स हैं उसको यहाँ पे वो किया है। आपको फॉलो जरूर से करना है गीक अभिषेक _ पे ट्विटर पे जाके हम लोगों को। इंस्टाग्राम दिखाता हूँ अब आपको, तो इंस्टाग्राम पे IQ पहले आया है आई थिंक। एंड अगर होम स्क्रीन पे चलें अपनी, वैसे ये वाला मेरा ऑफिशियल अकाउंट नहीं है, वही है गीक अभिषेक _, तो वहीं पे फॉलो कर लेना। वैसे यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम, ये रहा मेरा मेन अकाउंट, यहाँ पे आप फॉलो कर लेना, रील्स वगैरह पोस्ट करते रहते हैं हम। अमेज़ॉन खोल के देखते हैं एंड अमेज़ॉन IQ में भाई बहुत ही जल्दी यहाँ पे लोड हो गया देख सकते हो आप। होम स्क्रीन पर चलते हैं, प्राइम वीडियो खोल देते हैं दोनों फोन्स में, तो प्राइम वीडियो में भी IQ Neo 7 Pro यहाँ पे फास्टर है। दोनों फोन्स के अंदर ना फुल HD में यहाँ पे कंटेंट को स्ट्रीम कर सकते हो तो देख ही रहे हो यहाँ पे आप। बाकी यहाँ पे चलते हैं हम होम स्क्रीन पे, अब गाइस यहाँ पे BGMI ओपन करके देखते हैं, वहाँ पे एक्चुअल स्पीड का डिफरेंस पता चलेगा। 3, 2, 1 गो और देखते हैं कौन सा फोन यहाँ पे फास्ट ओपन करेगा। वैसे एक चीज बता देता हूँ आपको, वन प्लस के अंदर एक परफॉर्मेंस मोड आता है वो हमने यहाँ पे इनेबल नहीं किया है। वैसे गेम जो टर्बो गेम वाला जो फीचर होता है ना वो ऑन है दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर, यहाँ पे आप देख ही सकते हो ठीक है, तो वो यहाँ पे इनेबल है और बाय डिफॉल्ट सेटिंग पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक नॉर्मल एवरेज जो कंज्यूमर है वो कभी भी भाई इस चीज को इनेबल करके टेस्ट नहीं करेगा। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा वन प्लस यहाँ पे क्लियरली विनर है, देख सकते हो थोड़ा सा डिफरेंस था लेकिन हाँ भाई वन प्लस यहाँ पे जीत चुका है। दोनों ही फोन यहाँ पे स्मूथ से लेके HDR एक्सट्रीम में गेम चला देते हैं, अल्ट्रा HD में अल्ट्रा का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है।
तो ग्राफिक सेटिंग्स के मामले में दोनों ही फोन्स कमाल के आपको मिलते हैं, और ऑब्वियसली जो गेमिंग परफॉर्मेंस है ना वो IQ Neo 7 की मच 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 बेटर है एज कम्पेयर टू वन प्लस इलेवन गेमिंग में उतना ज़्यादा परफॉर्म अच्छा नहीं करता है। आप मेरे भाई हर्ष गेमर के चैनल पर BGMI टेस्ट देख सकते हो, दोनों का उसने यहाँ पर डाल दिया है। Asphalt 9 यहाँ पे ओपन करके देखते हैं, तो इस वाले स्पीड टेस्ट में आपको मैं ना ऐसे स्पीड टेस्ट तो दिखाता हूँ और प्रैक्टिकल अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करता हूँ, क्योंकि भाई दोनों स्मार्टफोन्स को ऐसे पर्सनली यूज़ भी करते हैं ना रिव्यू के लिए, तो वो चीज़ भी आपको स्पीड टेस्ट में पता चल जाती है। तो देखो दोनों स्मार्टफोन्स कितना सिमिलर आए हैं। अब देखो दोनों में है ना यहाँ पे आप 60 FPS में जो Asphalt 9 है उसको प्ले कर सकते हो, काफ़ी बढ़िया बात है। ओपन करते हैं YouTube म्यूजिक दोनों ही फोन्स में, एंड यहाँ पे OnePlus फास्टर है। अब कैमरा लॉन्च कर लेते हैं एक बार जल्दी से, तो यहाँ पे IQ पहले आया है, होम स्क्रीन पे चलते हैं। अब यहाँ पे रैम मैनेजमेंट चेक कर लेते हैं फटाफट से, फ़ोन डायलर दोनों में है, मैसेजेस OnePlus ने रीलोड किया है, एंड क्रोम देख लेते हैं, क्रोम भी यहाँ पे रीलोड हुआ है, ये दोनों के अंदर है, प्ले स्टोर सेटिंग्स एप्लीकेशन दोनों में है, कैलकुलेटर है, यूट्यूब OnePlus ने लॉग इन कर दिया है, मतलब रीलोड कर दिया है, ट्विटर दोनों के अंदर है, वैसे ट्विटर का जो कॉम्पिटिटर है ना थ्रेड्स उस पर भी फॉलो कर सकते हो, उस पर भी हम आ चुके हैं, इंस्टाग्राम दोनों में है, अमेज़ॉन यहाँ पे OnePlus में लॉग आउट मतलब रीलोड हो गया है, प्राइम वीडियो यहाँ पे रीलोड हुआ है आई थिंक, एंड BGMI चेक कर लेते हैं, तो BGMI भी OnePlus में यहाँ पे रीलोड हो गया है और IQ में है। अब 12 GB का मुझे लग रहा है ये डिफरेंस है, दोनों देखो गेम OnePlus ने यहाँ पे रीलोड कर दिए हैं। अब यहाँ पे खोलें हम YouTube म्यूजिक और उसके बाद यहाँ पे कैमरा, तो देखो रैम मैनेजमेंट 12 GB है इसलिए बेटर है, लेकिन भाई 8 GB में भी OnePlus के फोन्स में रैम मैनेजमेंट बढ़िया होता है, OnePlus ने सॉफ्टवेयर से कुछ गड़बड़ करी हुई है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइज़ नहीं है उतने अच्छी तरीके से, नहीं तो 8 GB में भी रैम मैनेजमेंट अच्छा होता। परफॉर्मेंस में आपने डिफरेंस देख लिया, ज़्यादा डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आया है। हम रैम को कर लेते हैं क्लियर। अब मैं आपको बेंचमार्क्स भी दिखा देता हूँ दोनों ही फोन्स के। सबसे पहले आप Antutu के स्कोर्स देख लो, जो IQ का स्कोर है वो बहुत ज़्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि 12 GB वाला वेरिएंट है, इसका जो बेस वेरिएंट होगा ना वो फिर भी 11 लाख से ऊपर का स्कोर देगा, मतलब OnePlus से आप ये लगा सकते हो कि ज़्यादा ही स्कोर आपको देखने के लिए मिलेगा। रीड राइट स्पीड की भी बात करें तो 256 GB वाला वेरिएंट है, इसलिए भी हो सकता है कि थोड़ी ज़्यादा स्पीड्स आ रही हो, तो ये चीज़ है। बाकी यहाँ पे आप ना गीक बेंच और CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट के रिजल्ट्स भी देख सकते हो। अब यहाँ पे हम ना वीडियो रेंडरिंग टेस्ट करके देखते हैं, तो दोनों ही फोन्स के अंदर हम काइंड मास्टर को ओपन कर लेते हैं। अब इस दोनों स्मार्टफोन्स के अंदर ही BGMI का गेम प्ले है, 7.5 मिनट की क्लिप होती है जिसको हमने 0.5 यहाँ पे स्लो कर रखा है, और इसको हम यहाँ पे सेव करेंगे दोनों ही फोन्स के अंदर 1080p 30fps पे 16 MB का बिटरेट रहने वाला है, 1878 MB की यहाँ पे फाइल निकल के आने वाली है। तो फटाफट से हम यहाँ पे करते हैं सेव वीडियो पे क्लिक, एंड स्किप पे क्लिक करते हैं दोनों ही फोन्स के अंदर ना स्टार्ट करते हैं स्टॉपवॉच को। नीचे हमारा IQ Neo 7 Pro है, ऊपर है OnePlus का 11R, तो देखते हैं कितना डिफरेंस निकल के आने वाला है। तो IQ 11 Pro ने कर दिया है और OnePlus 11R ने कर दिया 2 मिनट 7 सेकंड पे। अब यहाँ पे फाइनल टाइमिंग्स की बात करना गाइस, तो यहाँ पे IQ Neo 7 Pro ने 1 मिनट 56 सेकंड पे किया, उसके बाद OnePlus 11R ने सिर्फ 11 सेकंड ज़्यादा लिए, 2:07 पे कर दिया। तो नॉट अ ह्यूज डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, मतलब IQ Neo 7 Pro फास्ट तो है लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा ह्यूज डिफरेंस मुझे देखने के लिए नहीं मिला है। मेन यहाँ पर ना लुक्स का है, कर्व डिस्प्ले आपको OnePlus में एक्स्ट्रा मिलती है, एंड जो गेमिंग वाले फीचर्स हैं ना वो ऑब्वियसली IQ में आपको ज़्यादा मिलते हैं। अब सॉफ्टवेयर का भी डिफरेंस है, इसके अंदर आपको फन टच OS देखने के लिए मिलता है जो शायद बहुत ज़्यादा लोगों को शायद पसंद ना हो, और इसके अंदर आपको क्लीन ऑक्सीजन OS देखने के लिए मिलता है जिसमें उतने ज़्यादा ब्लोटवेयर्स और एड्स वगैरह नहीं आते हैं ऑब्वियसली। तो ये अपने अपने फ़ोन्स की USP हैं। OnePlus के फ़ोन्स ऐसे ऑफलाइन में भी आप ले सकते हो, IQ के फ़ोन सिर्फ ऑनलाइन मिलते हैं, तो वो भी एक डिफरेंस निकल के आ जाता है। बाकी कैमराज यार ऑलमोस्ट बराबर से होंगे, बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं होगा अगर आप बोलोगे तो कैमरा कंपैरिजन भी करने की कोशिश करेंगे। बाकी इनका अगर आप फुल कंपैरिजन देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। वैसे मैं इनका बैटरी ड्रेन टेस्ट भी लेके आने वाला हूं बाकी के कुछ और स्मार्टफोन्स के साथ में, तो उसके लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, और भाई मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।